फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है, फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेई का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। फाइनली अब हम लोग स्टार्ट करते हैं शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ड्रॉ करना और उसको सीखेंगे कि किस तरीके से ड्रॉ होता है। अभी तक हमने जो भी चीजें पढ़ी है इस चैप्टर्स में लेकर टाइप्स ऑफ बीम को लेकर पढ़ा है, टाइप्स ऑफ सपोर्ट को लेकर पढ़ा हुआ है, उसके बाद हमने कहीं ना कहीं साइन कन्वेंशन को देखा हुआ था और फाइनली अब इन सब चीजों को मिलाकर हम लोग यहाँ पर शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ करना सीखेंगे। और जैसा कि हमने ये चीज भी देखा था कि मैं आपसे बोला था कि हम लोग बेसिकली जो ड्रॉ करने वाले हैं एक तो हमारा कैंटिलीवर बीम और एक हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम, बिकॉज दे आर स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम। ठीक है, इस सब चीज के बारे में हमने पढ़ा है। तो फाइनली चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कैंटिलीवर बीम के बारे में। तो ये मेरा पहला केस है जहां पर हम लोग ये कंसिडर कर रहे हैं कि जो हमारे पास कैंटिलीवर बीम है उस पर हमारा क्या है, पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है। अब ये पॉइंट लोड आपका कहां पर एक्ट कर सकता है, तो इसमें हम लोग अलग अलग केस को लेकर देख सकते हैं। तो अगर मैं पॉइंट लोड की बात करूं तो या तो उसके फ्री एंड पे कंसिडर कर लेंगे या उसके बीच वाले किसी पार्ट पे हम लोग कंसिडर कर लेंगे। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं कैंटिलीवर बीम सब्जेक्टेड टू पॉइंट लोड। तो पॉइंट लोड में अगर हम लोग बात करें यहां पर पहला केस लेकर पॉइंट लोड एट द फ्री एंड देख लेते हैं। फर्स्ट केस हमारे पास है पॉइंट लोड आपका कहां पर एक्ट करेगा, एट द फ्री एंड। ठीक है, तो यहां पर देखिए सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि देखिए ये हमारे पास कैंटिलीवर बीम है। ठीक है, इसमें हमारा जो है एंड लोड है, तो पॉइंट लोड आपका लग रहा है और वो फ्री एंड पे लग रहा है, तो ये हमारे पास फ्री एंड है जहां पर आपका लोड क्या लग रहा है, डब्लू। अब इसका मुझे क्या करना है, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ करना है। शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ करने के लिए देखिए अगर आप मेंस का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे यूएस का हो चाहे एसएससी जेईई मेंस की पेपर हो, तो ध्यान रखिएगा शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट जब भी आप किसी पेज में अगर आपको बनाना हो तो कैसा बनाएंगे, आपके लिए भी टाइम रिड्यूसिंग है, चेक करने वाले के लिए भी सहूलियत रहेगा। क्या आपके पास पेज में इस तरीके से कॉपी में दो पेज होते हैं ना, तो जो ऐसा दो पेज होता है तो एक पेज पे इधर आप लेफ्ट साइड डायग्राम बनाओगे और राइट साइड कैलकुलेशन पार्ट रखोगे। ऐसा मत करना कि यहाँ पर डायग्राम बना रहे हैं फिर पीछे कैलकुलेशन कर रहे हो, क्योंकि बार बार पलटोगे तो आपका टाइम खराब होगा, इरिटेट हो जाओगे और दूसरा चीज चेक करने वाले को भी थोड़ा तकलीफदायक है। बेटर है कि जो हमारे पास कॉपी है उस कॉपी में अगर ये है, अगर मान लीजिए कि सपोज ये पेज आपका खाली है तो उसको छोड़ दो, ठीक है, उसमें या तो दूसरा क्वेश्चन डालो या उस पेज को काट देना। लेकिन जो शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट या डायग्राम से जो रिलेटेड यहाँ इस चैप्टर से अगर आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये जो आपकी कॉपी के दो पेज है लेफ्ट साइड आप डायग्राम बनाएंगे, राइट साइड उसका पूरा कैलकुलेशन रखेंगे ताकि कैलकुलेशन से सीधा हमको ये चीज दिखे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं तो फ्री हैंड पे हमारा लोड डब्लू लगा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या है देखते हैं इसका शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ कैसे होगा। तो सबसे पहले क्या है, इसका शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके का हम लोग एक सिनारियो क्रिएट करते हैं। ये हमारे पास है, ये जो हमको दिख रहा है इस पोर्शन से हम लोग क्या है शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ करने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें हमको करना क्या चीज है, इसमें ये जो हमारे पास लोड है शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट, साइन कन्वेंशन हमको याद है क्या, यहां पर हम लोग क्या करते हैं एक सेक्शन कंसिडर कर लेते हैं, दैट इज द एक्स एक्स सेक्शन। तो एक्स एक्स सेक्शन मान लीजिए कि हम लोग क्या है ये वाला पोर्शन जो है यहाँ पर हमने एक्स एक्स सेक्शन कंसिडर किया हुआ है। ठीक है, ये जो हमारे पास पोर्शन है ये हमारे पास क्या है एक्स एक्स सेक्शन हमारे पास कंसिडर है, और इस एक्स एक्स सेक्शन से हम लोग यहाँ पर शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर मैं पॉइंट कंसिडर कर लेता हूँ, मान लीजिए कि ये पॉइंट आपका ए है, ये पॉइंट आपका बी है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं शियर फोर्स के लिए कि अगर मुझे इसका शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करना है तो क्या करना पड़ेगा। तो फॉर द शियर फोर्स, फॉर शियर फोर्स, ठीक है, तो शियर फोर्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो शियर फोर्स हम लोग निकालते हैं, और शियर फोर्स हमारा किस पॉइंट पर निकलेगा, जो हम लोग शियर फोर्स को लेकर बात कर रहे हैं, शियर फोर्स अगर देखो आप बी पे निकाले ए पे, देखिए यहाँ पे आपका पॉइंट लोड लग रहा है ना, तो एक चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये जो हमारा पास पॉइंट लोड लग रहा है तो आपको सबसे पहले क्या कंसिडर करना है, इस जो पॉइंट लोड लग रहा है तो यहाँ पर आप दो पॉइंट कंसिडर करिएगा, एक हमारे पास होगा डेट इज द बी डैश और एक पॉइंट होगा बी। जो आप बी डैश कंसिडर करोगे ये इस पॉइंट के बाद का कंसिडरेशन होगा, बी पे बात करोगे तो वो आपको क्या मिलेगा, जो आपका पॉइंट पर्टिकुलर पॉइंट बी पे आया हुआ है। नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर देखिए ये सब चीजें आपको आगे काम आएंगी।
शियर फोर्स जैसे मान लीजिए अगर मैं बी पॉइंट पर निकालता हूं, तो बी पॉइंट पर निकालता हूं तो मुझे क्या मिलेगा शियर फोर्स बी पर? देखो अभी जो एक्स एक्स सेक्शन है, मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं राइट से लेफ्ट चलू या मैं लेफ्ट से राइट चलू। यहां पर क्या है, अगर मैं राइट से लेफ्ट भी चलकर आपको दिखा दूंगा कि क्या रिजल्ट आएगा, रिजल्ट सेम आएगा, लेकिन कौन सी चीजें आपको इजी है ये चीजें समझना जरूरी है। तो शियर फोर्स पॉइंट बी पे अगर मैं निकालूंगा तो डेफिनेटली आपको क्या मिल रहा है, ये आपको मिल रहा है डब्ल्यू। शियर फोर्स जो बी पे हमने निकाला ये आपको क्या मिला हुआ है, दिस इज द डब्ल्यू। क्लियर है? अच्छा, अगर मैं बात करता हूं बेंडिंग मोमेंट को लेकर, तो बेंडिंग मोमेंट हमारे पास क्या मिलेगा, जैसे शियर फोर्स हम लोग पॉइंट बी पे निकाले हैं तो हमको डब्ल्यू लोड मिल रहा है, उसी तरीके से अगर मैं यहां पर बेंडिंग मोमेंट निकालूं तो बेंडिंग मोमेंट, अच्छा ये जो हमारे पास एक्स एक्स डिस्टेंस है, ये एक्स एक्स डिस्टेंस है, तो यहां से हम लोग क्या है कुछ डिस्टेंस कवर करते हैं और ये डिस्टेंस हम लोग कितना कंसिडर कर लेते हैं एक्स, ठीक है। तो ये हमारे पास एक जनरलाइज इक्वेशन आया हुआ है शियर फोर्स एट पॉइंट बी के लिए, ठीक है। शियर फोर्स का एक जनरल इक्वेशन आप बोल सकते हो, शियर फोर्स हमारे पास डब्ल्यू है। बेंडिंग मोमेंट, ये जो हमारे पास शियर फोर्स हमने कहां पर निकाला हुआ है, मैंने एक्स एक्स सेक्शन पे निकाला हुआ है। ये एक्स एक्स सेक्शन पे शियर फोर्स कैसे निकालेंगे, लेफ्ट साइड का आपका जितना भी लोड है वो सब कंसिडर है, लेफ्ट साइड में जब आप देख रहे हो तो केवल आपको लोड दिख रहा है डब्ल्यू, और ये डब्ल्यू आपका डाउनवर्ड है, तो अगर आपको याद हो तो जो एक्स एक्स सेक्शन है उससे अगर डाउनवर्ड फोर्स है तो उसको हम लोग क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं एक्स एक्स सेक्शन पे, तो बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं हमारा फॉर बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। तो अगर मैं बेंडिंग मोमेंट यहां पर कैलकुलेट करना चाहूं तो बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन एक्स एक्स, तो बेंडिंग मोमेंट एट द सेक्शन एक्स एक्स अगर आप निकालोगे तो क्या मिलेगा, डेफिनेटली ये आप देखो फोर्स एक्स एक्स सेक्शन पे लोगे तो ये आपको मिलेगा डब्ल्यू इंटू एक्स, क्या हो जाएगा डब्ल्यू इंटू एक्स आपका डिस्टेंस है, तो यहां पर ये आपको मिल जाएगा डब्ल्यू इंटू एक्स। तो ये हमारे पास जो निकल कर आया दिस इज द बेंडिंग मोमेंट एट द एक्स एक्स। अब बात है ऐसा करने से मुझे फायदा क्या मिला, क्या मैं डायरेक्ट ही निकाल सकता, बिल्कुल आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, लेकिन आपको कर्व का वेरिएशन अगर आपको चेक करना है तो डेफिनेटली इस इक्वेशंस के थ्रू मूव करना पड़ेगा। एक्स एक्स अगर आप निकाल लिए हो तो आप जग जीत गए, क्यों, क्योंकि एक्स एक्स सेक्शन निकालने के बाद आप सीधा सीधा क्या कर सकते हो, एक्स के अकॉर्डिंग आप अपनी वैल्यू को वेरी कराइए, उसके रिगार्डिंग आपको शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू आपको मिल जाएगी। जैसे यहां से मुझे ये जो एक्स एक्स सेक्शन के अबाउट निकाला हूं, यहां से मुझे ये समझ में आ चुका है क्या कि ये शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का वेरिएशन कैसा होगा। एग्जांपल के लिए शियर फोर्स एक्स एक्स सेक्शन के अबाउट डब्ल्यू है, मतलब ये एक्स पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, मतलब सीधी सीधी अगर मैं बात करूं तो इसकी वैल्यू जो मुझे मिलेगी वो मुझको क्या मिलेगी, कॉन्स्टेंट, ठीक है। अच्छा, और यहां पर मैं अगर बेंडिंग मोमेंट लेकर बात करूं तो बेंडिंग मोमेंट का वेरिएशन मुझे कैसा दिख रहा है, ये अगर आप बात करोगे तो एक्स है, x मतलब है लीनियर वेरिएशन, x स्क्वायर है मतलब पैराबोलिक, x क्यूब है मतलब हाइपरबोलिक। तो यहां पर ये जो आप देख रहे हो ये आपका वेरिएशन कैसा दिख रहा है, ये हमारे पास दिख रहा है दैट इज द लीनियर वेरिएशन। ये जो हमको वेरिएशन दिख रहा है, जो w दिख रहा है ये तो आपका कांस्टेंट है, और w इनटू जो आपको x दिख रहा है ये हमारे पास क्या है, लीनियर वेरिएशन है, ठीक है। तो ये जो हमने बात किया हुआ है शियर फोर्स को लेकर हमने बात किया है, बेंडिंग मोमेंट को लेकर हमने चीजें डिस्कस की हुई है, ठीक है। अब यहां पर आप जिस जिस पॉइंट के लिए निकालना चाहते हो डेफिनेटली आप उस पॉइंट के लिए निकाल सकते हो। तो देखिए यहां पर जैसे हम लोग बात कर रहे थे ये जो बी पॉइंट को लेकर, अगर आप बी पे निकालो कहीं भी आप निकालो तो बी पे भी आपको कितना मिलने वाला है डब्ल्यू। तो यहां पर बात करते हैं, देखिए शियर फोर्स, तो शियर फोर्स एट बी पे अगर आप निकालोगे तो बी पे भी आपको क्या मिलने वाला है, डब्ल्यू मिलने वाला है। शियर फोर्स अगर आप ए पर निकालोगे तो शियर फोर्स ए पर भी आपको क्या मिलने वाला है, दैट इज आल्सो इक्वल टू डब्ल्यू। ये क्लियर है? तो ये जो हमने निकाला हुआ ये किसके लिए निकाला है, शियर फोर्स के लिए। तो चलिए एक बार हम लोग शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करते हैं। अच्छा एक चीज और, यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट का साइन क्या आएगा, अगर आपको याद हो तो हमने यहाँ पर जो कंसिडर किया था ये हमारे पास एक्स एक्स सेक्शन था, एक्स एक्स सेक्शन में अगर आपका राइट साइड डाउनवर्ड फोर्स आता था तो यहाँ पर शियर फोर्स हम लोग लेते थे पॉजिटिव, और इसी लोड के कारण अगर ये वाला अगर आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन अगर आपको मिल रहा है तो ये हमारे पास आता है बेंडिंग मोमेंट, और बेंडिंग मोमेंट आता है तो ये वैल्यू को हम लोग क्या लेते हैं, निगेटिव लेते हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखिए जो बेंडिंग मोमेंट यहाँ पर एक्स एक्स सेक्शन के अबाउट लोगे तो देखो डब्ल्यू क्लॉकवाइज घूम रहा है ना, तो ये कहीं ना कहीं बेंडिंग मोमेंट आपको क्या शो करेगा, ये निगेटिव साइन शो करेगा, ठीक है। तो ये देखिए जो हमने बात किया है शियर फोर्स को लेकर हमने बात किया है। अच्छा बेंडिंग मोमेंट को लेकर बात करें तो हमको चीजें क्या मिल सकती है, अगर मैं यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट को लेकर बात करूं तो बेंडिंग मोमेंट के साथ सिनेरियो क्या मिलेगा यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट आप निकालिए कहाँ पर, पॉइंट बी पर।
तो पॉइंट बी पर निकालेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या है यहां पर, जीरो है। यहां पर मैं लिखता हूं, ज्यादा बेस्ट है, देखिए यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं किसके लिए, बेंडिंग मोमेंट के लिए, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट पे अगर बात करें तो एट एक्स इक्वल टू जीरो, तो एट एक्स इक्वल टू अगर आप जीरो पे जाते हो तो आप पॉइंट कहां, एक्स इक्वल टू जीरो मतलब बी पे चले जाओगे, ठीक है। तो एट एक्स इक्वल टू जीरो पे सॉरी बेंडिंग मोमेंट हम लोग निकाल रहे हैं, तो यहां पे आप निकालोगे बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी, ठीक है। तो एट पॉइंट बी के लिए आपको क्या मिल जाएगा, डेफिनेटली जीरो मिल जाएगा। अब आप देखिए बी से आप कहीं बीच में सेक्शन नहीं है, पॉइंट नहीं है, तो आप सीधा ए पर आ जाइए। तो ए पर आने का मतलब एक्स आपका सेक्शन इधर आएगा, तो ये पूरे एक्स की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, मान लीजिए टोटल डिस्टेंस हम लोग एल ले लेते हैं, तो यहां पर हम लोग बात करते हैं एट एक्स इक्वल टू एल पर। तो एक्स इक्वल टू एल पर अगर आप जाओगे तो आपको बेंडिंग मोमेंट क्या मिलेगा, ये आपको बेंडिंग मोमेंट ए पर आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा एक्स इक्वल टू जीरो। तो एक्स इक्वल टू एल अगर आप यहां पे रखोगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस डब्लू का कहानी तो है, एक्स की जगह आप क्या रखोगे, एल रखोगे। कहानी कुछ समझ में आया, ये जो चीजें हमको मिली है ये हमको मिली है बेंडिंग मोमेंट को लेकर, ठीक है। तो बेंडिंग मोमेंट की कहानी भी हमको ये चीज दिख गया क्या, कि ये जो आपको दिख रहा है ये हमारे पास बेंडिंग मोमेंट है। तो कहीं ना कहीं मुझे शेयर फोर्स की कहानी भी दिख चुकी है, बेंडिंग मोमेंट की कहानी भी दिख चुकी है। तो अब मैं यहां पर इन चीजों को ड्रॉ कर सकता हूं, जैसे मान लीजिए मैं अभी बेंडिंग मोमेंट को साइड रखिए, शेयर फोर्स को ड्रॉ करना है। मुझे एक चीज समझ में आ गया कि शेयर फोर्स जो है ये बिल्कुल डब्लू आपको मिल रहा है और पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, तो पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है तो इसको हम ड्रॉ करने के लिए क्या कर सकते हैं, यहां पर मैंने लाइन खींचा, दिस इज द रेफरेंस लाइन। यहां पर जब मैं B पे निकाला तो भी हमको W मिला हुआ है, तो ये हमारे पास पॉइंट B है, और इस B पर मान लीजिए कि प्लस W आया हुआ है तो ये हम W ले लेते हैं। उसी तरीके से A पर गए हैं तो ये हमारा पॉइंट A है, इस पे भी आपका सेम मैग्नीट्यूड W मिला हुआ है, तो ये आप देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, और ये जो आपको सिनेरियो दिख रहा है यहाँ पे अगर, तो ये जो हमारे पास है, ये जो हमारे पास सिनेरियो दिख रहा है, ये हमको दिख रहा है शेयर फोर्स, ठीक है। ये जो हमको दिखा हुआ है दिस इज द शेयर फोर्स डायग्राम, शेयर फोर्स, और यहां पर जो वैल्यू आपको मिली वो क्या मिली है, पॉजिटिव मिली, और ये देखिए बिल्कुल आपको लीनियर मिला हुआ है। लीनियर का मतलब कहीं ना कहीं जो W की वैल्यू आपको क्या है, ये कांस्टेंट मिल रही है, तो ये आपको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मिलेगा, दिस इज द शेयर फोर्स डायग्राम। यहां पे अगर मैं बात करता हूं सपोज मान लीजिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को लेकर, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के साथ आपका क्या हो सकता है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में अगर हम लोग बात करें तो फिर देखो पहला चीज तो ये वैल्यू जीरो और माइनस डब्ल्यू एल आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं वैल्यू निगेटिव साइड आएगी। तो सबसे पहले रेफरेंस लाइन को हमने सेट कर दिया है, तो रेफरेंस लाइन हमारे पास ये पॉइंट ए है और ये हमारे पास पॉइंट क्या है, बी है। अब हमारे पास देखिए जो बेंडिंग मोमेंट बी पर हमने निकाला हुआ ये मेरे पास जीरो है, तो ठीक है बेंडिंग मोमेंट ये हमारे पास बी पे जीरो हो गया, ठीक है। धीरे धीरे आगे बढ़े, ए पर गया तो माइनस डब्ल्यू इंटू एल हो गया, तो माइनस का मतलब नीचे आएगा, डब्ल्यू इंटू एल कुछ मैग्नीट्यूड हो सकता है। तो मान लीजिए कि सपोज यहां पर आया और ये आपका हो गया, ये वैल्यू कितनी होगी आपको, माइनस डब्ल्यू इंटू एल, माइनस डब्ल्यू इंटू एल, ये मैग्नीट्यूड मिला। और आपको कर्व कैसा दिख रहा है, लीनियर दिख रहा है, यहाँ कॉन्स्टेंट था तो ये बिल्कुल कॉन्स्टेंट मिला, यहाँ पर आपको लीनियर है, तो डेफिनेटली आप क्या करोगे, बी से सीधा होगे और ये लाइन एकदम आप एग्जैक्टली क्या है, लीनियर मिला होगे। स्ट्रेट नहीं दिख रहा है क्या, स्ट्रेट आप लेके चलिए ये, ठीक है। तो ये जो हमको मिला हुआ है ये अगर आप देखोगे तो ये जो आपका वेरिएशन है दिस इज द लीनियर वेरिएशन, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है ये लीनियर वेरिएशन है, और यहाँ पर जो हम लोग बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ किए हैं दिस इज द बेंडिंग मोमेंट वेरिएशन, और ये आपको वैल्यू क्या मिला हुआ है, निगेटिव मिला हुआ है। क्लियर है यहां तक, तो ये चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये हमारे पास जो वेरिएशन है दिस इज द बेंडिंग मोमेंट वेरिएशन, तो ये हमारे पास एक बेसिकली वेरिएशन है। अब आप ठीक है, कई स्टूडेंट ड्रॉ कर रहे होंगे, बहुत इसलिए ड्रॉ कर रहे होंगे, ठीक है, और आप डेफिनेटली इन चीजों के बिना भी इस चीजों को डायरेक्ट ड्रॉ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल किया जा सकता है, वो करेक्ट है। लेकिन अभी मैं क्या है फ्रेंड, एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट किया हूं, धीरे धीरे अभी मैं क्या यूडीएल केस तक आपको दिक्कत नहीं होगा, लेकिन जैसे ही मैं यूवीएल, ठीक है, यूनिफॉर्मली वेरिएबल लोड में इंटर किया, वहां पर आप फिर गोल गोल होना स्टार्ट हो जाओगे अगर आप ये कंसेप्ट को नहीं पकड़े हो। अभी मैं आपको एक दो केस तक कराऊंगा, आप ये चीज बिना किए आप ये चीज को डेफिनेटली सॉल्व कर सकते हो, नहीं दिक्कत होगा। लेकिन ध्यान रखना कि जहां पर मैं यूवीएल में इंटर किया, डेफिनेटली अगर ये कंसेप्ट को अगर आपने छोड़ा तो वहां पर जाके फंसोगे,
ठीक है, तो बेटर है कि सीधे शुरू से चीजों को आराम से कंसेप्ट को लेकर समझा जाए। मैं ऑलरेडी जो शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है इस पे मैंने अपनी स्पीड को ऑलरेडी काफी कम कर दिया है, ठीक है। आपको लगता है कि स्पीड ज्यादा स्लो है, वीडियो की स्पीड को बढ़ा सकते हैं, आपके पास बेटर ऑप्शन है, ठीक है, उस ऑप्शन को बढ़ाइए और कंटिन्यू करिए, लेकिन चीजों को छोड़िएगा मत, क्योंकि ये जो आपका जो शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट है, मैं आपको बताया ना, कहीं लीनियर है, कहीं पैराबोलिक है, कहीं हाइपरबोलिक है, अलग अलग कर्व को लेकर वेरिएशन है, तो ये सब वेरिएशंस को लेकर आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पर जो हमने ड्रॉ किया है कि जो हमारे पास केस वन हमने जो देखा, जो बेंडिंग जो आपका कैंटिलीवर बीम है वो आपका क्या है फ्री एंड पर आपका क्या है पॉइंट लोड लग रहा है, ठीक है। दूसरा चीज हम लोग बात करते हैं, मान लीजिए कि सपोज ये जो पॉइंट लोड है ये अगर मान लीजिए कहीं सेंटर पे शिफ्ट हो गया या इसके बीच में शिफ्ट हो गया तो वहां पर हमारे साथ क्या कहानी होगा। तो चलिए इस पोर्शन को हम लोग रफ करते हैं और यहाँ पे हम लोग बात करते हैं क्या कैंटिलीवर सब्जेक्ट कैंटिलीवर बीम सब्जेक्टेड टू पॉइंट लोड एट मिड स्पैन लिख लेते हैं, ठीक है, एट मिड स्पैन लिख सकते हैं, ठीक है, बीच में लग रहा है या आपका कहीं भी आपका इस कैंटिलीवर बीम के बीच में कहीं भी आपका एक्ट कर सकता है। तो मान लीजिए कि सपोज मेरे पास ये मेरे पास कोई कैंटिलीवर बीम है और इस कैंटिलीवर बीम में आपका मान लीजिए कि टोटल आपका लेंथ एल है, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पर आपको क्या क्या चीजें दिख सकती है, तो ये जो आपका कैंटिलीवर बीम है एक तो आपको ये दिख रहा है, ठीक है, दूसरा पोर्शन हमको दिख रहा है ये वाला, इस बीच में हमको ड्रॉ करना है। अच्छा, इसमें मैं आपको लोडिंग बता दे रहा हूँ, इसमें जो इसमें लोडिंग शो करने के लिए बोला जा रहा है मिड स्पैन पे, मतलब ये कहीं ना कहीं जो लोड है वो आपका क्या है W है, और मिड स्पैन की तरफ बोला है तो डेफिनेटली ये डिस्टेंस हम लोग कितना ले लेते हैं L/2, ठीक है, और ओवरऑल डिस्टेंस यहाँ पे भी बात करूंगा तो ओवरऑल डिस्टेंस हमारे पास कितना L, ये जो हमारे पास ओवरऑल डिस्टेंस जो हमको दिख रहा है ना, ये ओवरऑल डिस्टेंस हमको कितना दिखेगा L, ठीक है, तो मिड स्पैन पे आपका एक्ट कर रहा है L/2। तो अब मुझे यहाँ पर देखिए क्या करना है, ओवरऑल लेंथ हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, तो यहाँ पे ओवरऑल लेंथ आपको कितना मिल रहा है, दिस इज द L, ठीक है, ये तो इसमें मुझे शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ करना है, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे, अच्छा, बेंडिंग मोमेंट जैसे आपने ए पर यहाँ पे निकाला हुआ है, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, यहाँ पर अगर मैं शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट को लेकर ड्रॉ करूं तो दो चीजें हैं, अगर आप ये चीज का यूज नहीं भी कर रहे हो ना तो डेफिनेटली आप यहाँ पर डायरेक्ट इस चीज को ड्रॉ कर सकते हो। कैसे, देखिए पहला चीज आप एक्स एक्स सेक्शन मान लो यहाँ पे कंसिडर किए, ठीक है, एक्स एक्स सेक्शन कंसिडर कर लो, यहाँ पर देखो यहाँ पे अगर आप कंसिडर करोगे तो लेफ्ट साइड वाला लोड का कोई है ही नहीं ना, यहाँ अगर आप एक्स एक्स लोगे तो लेफ्ट साइड तो लोड है ही नहीं, आपको यहाँ से चलना पड़ेगा, तो बेटर है एक्स एक्स सेक्शन को आप यहाँ कंसिडर करिए। तो यहाँ पे जब आप ड्रॉ करेंगे इन चीजों को तो ये वैल्यू क्या आएगी, तो एक्स एक्स सेक्शन अगर ये होगा तो डब्ल्यू डाउनवर्ड है, मतलब पॉजिटिव आनी है, पॉजिटिव आनी है, तो ये देखिए यहाँ पर मैंने ए और बी, ठीक है, पॉजिटिव जो आना है तो मैंने ए और बी ये सेक्शन कंसिडर हमने कर लिया है, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारे पास ए बी का जो सेक्शन मिला हुआ है तो यहाँ पर ये जो आपको W मिला है और ये आपको क्या मिला है L/2 मिला हुआ है, तो पॉइंट बी पर अगर आप बेंडिंग मोमेंट को देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट। सबसे पहला चीज आप देखिए, ये मान लीजिए कि सपोज ए पोर्शन ए पॉइंट है, इसको हमने बी लिया हुआ है और इसको मान लीजिए हम लोग सी पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है, ए बी और सी जो आपको तीन पॉइंट मिला हुआ है यहाँ पर बी तक, तो ठीक है बी से सी तक तो कोई लोड ही नहीं है, तो भैया बी से सी तक अगर कोई लोड नहीं है तो क्या बताओ यहाँ पर आपको मिलेगी चीजें, मतलब यहाँ पर आप क्या कोई लोड शो होगा, डेफिनेटली नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर आप शियर फोर्स को लेकर बात करने वाले हो तो देखो शियर फोर्स आपको क्या मिलेगा, शियर फोर्स अगर आप बी पे लोगे तो डेफिनेटली आपको क्या मिलेगा, पॉइंट जीरो मिलेगा, क्योंकि यहाँ कोई लोड ही नहीं है। अब जैसा कि पॉइंट लोड अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो देखिए मैं आपको क्या बोला था कि जैसे आपका बी है तो आप यहाँ दो पॉइंट कंसिडर करिए क्योंकि यहाँ पर पॉइंट लोड है, नहीं कंसिडर करोगे तो क्या धोखा होगा वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर जैसे मान लीजिए पॉइंट लोड आपका कहाँ लगा है, सी पर लगा है, तो सी पर आप दो पॉइंट को कंसिडर करिए। अब दो पॉइंट कौन कौन सा लोगे, एक आप पॉइंट कंसिडर करो C-, C-, कहाँ पे कंसिडर होगा, W के जस्ट बाद, मतलब C- पे W को कंसिडर नहीं करना है, मतलब यहां पर मैं बात करूं शियर फोर्स C-, C- आपको पॉइंट नहीं दिख रहा है, लेकिन आपको जस्ट वहां पर क्या है, जस्ट आपको W के बाद, मतलब उस पॉइंट पर W कंसिडर नहीं होगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं शियर फोर्स सी को लेकर, मिलेगी डेफिनेटली सी पे आपका लोड कितना आ गया, डब्ल्यू आ गया, तो ये हमने लिख दिया है डब्ल्यू। उसके बाद नेक्स्ट आपका पॉइंट क्या बना है, शियर फोर्स ए पर, और ए पर अगर हम लोग बात करेंगे तो आपको वैल्यू कितना मिलेगा, शियर फोर्स अगर मैं ए पर बात करूं तो ए पर आपको वैल्यू कितनी मिलेगी,
तो डेफिनेटली ये आपको क्या कितना मिल रहा है, ये आपको मिल रहा है डब्लू, ठीक है, ये जो आपको मिल रहा है कितना मिल रहा है डब्लू मिल रहा है। तो अगेन आप यहाँ पे अगर आप रिएक्शंस को लेके कहानी देखोगे तो रिएक्शंस में आपको क्या क्या चीजें दिखेगी वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर रिएक्शन अगर आप देखोगे तो ये डब्लू है, तो आर ए का रिएक्शन कितना होगा, समीशन ऑफ एफ यू इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर जो लोड आपको रिएक्शन दिखेगा वो रिएक्शन आपको कितना दिखेगा डब्लू, और साथ ही साथ आपको क्या एक मोमेंट आएगा। तो जब ये बैंड होगा तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या है आपका मोमेंट आएगा, और मोमेंट की वैल्यू हमको ऐसे भी दिख रही है डब्लू इंटू कितना आएगा एल बाई टू। तो मोमेंट अबाउट ए अगर हमको कोई बोले तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा डब्लू एल बाई टू। कहानी कुछ समझ में आया, ये जो हमारे पास मोमेंट अबाउट ए बोलेगा तो कितना हो जाएगा, ये हमारे पास डब्लू है और एल बाई टू है, तो कितना मिल गया आपको फाइनली डब्लू एल बाई टू मिला हुआ है। चीजें क्लियर है, तो ये सब चीजों को आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर जैसे शियर फोर्स हमने सी और सी डैश और सी पे निकाला हुआ है, उसी तरीके से अगर आप ए पर जाओगे तो ए पर क्या क्या चीजें होंगी। अगेन ए पर आपका डब्लू लग रहा है ना, तो आप ए पर दो पॉइंट कंसिडर करिए। एक आप पॉइंट कंसिडर करोगे कौन सा, ए डैश, ए डैश कंसिडर करोगे तो इसके राइट साइड वाला पोर्शन होगा, तो इस पे ये लोड कंसिडर नहीं होगा, केवल ये वाला जो लोड है वो कंसिडर होगा। तो शियर फोर्स अगर मैं ए डैश पे बात करूं तो एग्जैक्टली आपको यही मिलना है W, और दूसरा अगर मैं बात करूं शियर फोर्स को लेकर तो शियर फोर्स अगर आप ए पर बात करोगे, ए मतलब आप ये W को भी कंसिडर करोगे, तो ये तो आपका आई रहा था प्लस W की तरफ और ये आपका नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो क्या होगा सेक्शन, तो ये है माइनस W हो जाएगा, तो माइनस W तो इक्वल टू आपको क्या मिलेगा जीरो मिलेगा। ठीक है, ये सब कथा कहानी के अलावा डायरेक्ट है, मैं डायरेक्ट भी आपको बताऊंगा ड्रॉ करना। पहले आप एक डिटेल मेथड देखिए, फिर मैं आपको डायरेक्ट देख कर ही आप शियर फोर्स ड्रॉ कर सकते हो, इस तरीके का मेथड भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे जब आप ड्रॉ करोगे तो अब आप देखिए आप किस तरीके से यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। देखिए यहाँ पे सबसे पहली बात बी की बात करें तो बी पे तो आपका जीरो है, ठीक है। अच्छा, आप ये बोलोगे कि सर सी डैश क्यों लिया, हम सीधा सी लेते हैं, ठीक है आप सी ले लो। तो अगर आप सी लोगे तो आप देखो कर्व कैसा ड्रॉ करोगे, ये आपको जो सी दिख रहा है ये वाला पॉइंट सी, सी पे आपको डब्लू मिल रहा है, सी पे डब्लू मिल रहा है, तो मान लो कि ये वाला पॉइंट हमारे पास सी है, तो सी पे डब्लू मिल रहा है प्लस डब्लू है, तो आप सीधा यहाँ पे जाओगे और यहाँ पे जाने के बाद सीधा ले जाके उसको मिला दोगे, ठीक है। और यहीं पर कहानी आपकी गलत हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर वेरिएशन आपका लीनियर है ही नहीं, लेकिन आपको सीधा लीनियर दिखेगा, आप सीधा मिला दोगे। तो ये कहानी नहीं करना है आपको, करना क्या है यहाँ पर आपको ये करना है कि देखो शियर फोर्स बी के बाद सी डैश वाले पॉइंट पे भी जीरो है ना, तो बी के बाद आप सी पे आइए जीरो पे, तो पहला तो ये आपका लाइन ये एकदम स्ट्रेट इसको ओवरलैप करेगा, ठीक है, ये जो पॉइंट है इसको ओवरलैप किया, इसके बाद सी पर गया डब्लू, तो डब्लू गया प्लस डब्लू गया, तो यहां से हम लोग वर्टिकली डाउनवर्ड आए हैं और यहां पर हमको मिला है डब्लू, और डब्लू के बाद फिर शियर फोर्स ए डैश पर चले गए हैं, ए डैश आपको जो मिला। अब देखो मान लो आपने ए डैश नहीं लिखा रहता, आपने डायरेक्ट जीरो लिखा रहता तो डायरेक्ट डब्लू से आप जीरो कर देते जो कि गलत हो जाता, तो इसीलिए हमने ए डैश लिखा हुआ है। ए डैश की बात करें तो ये भी आपका प्लस डब्लू आया हुआ है, तो ये भी आपको मिला है यहाँ पर प्लस डब्लू, और प्लस डब्लू के बाद फिर आपका फाइनली ए पॉइंट पर जाके शियर फोर्स जीरो मिला है। तो ये जो आपको मिलेगा दिस इज द शियर फोर्स डायग्राम फॉर द कैंटिलीवर बीम व्हेन द पॉइंट लोड एक्टेड एट द मिड स्पैन ऑफ द बीम। तो यहाँ पर ये जो आपको मिला हुआ है दिस इज द शियर फोर्स, और शियर फोर्स यहाँ पर जो आपको वैल्यू मिली हुई है ये आपको क्या मिलेगी पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो ये आपको सिनेरियो क्लियर है यहाँ तक, तो एक चीजों को ध्यान रखना है, ये जो हमको दिख रहा है तो शियर फोर्स यहाँ पर जो आपको मिला है ये आपको मिलेगा पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है, कहानी क्लियर। तो ये हमारे पास कुछ कहानी चल रही थी फॉर शियर फोर्स के लिए। अच्छा बात है कि हमने ये सब कहानी यहाँ क्यों नहीं किया, किया है, लेकिन मैंने यहाँ पे थोड़ा डायरेक्ट मेथड अप्लाई कर दिया था। आप इन चीजों को मैं भी डायरेक्ट करके आपको बिल्कुल शॉर्टकट में निकाल दूंगा क्वेश्चन को, ठीक है। जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो क्या आप इतना माथापच्ची करोगे, नहीं करोगे, लेकिन एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर होना चाहिए क्योंकि ये सब क्या है हल्के क्वेश्चन है, तो यहाँ तक ठीक है, लेकिन जैसे ही आप यूडीएल के बाद यूवीएल में जाओगे ना लपटा जाओगे क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। यहाँ पर भी आप देखोगे तो हमने बेंडिंग मोमेंट के साथ क्या किया था, सॉरी शियर फोर्स के साथ, शियर फोर्स देखो सबसे पहले हम लोग निकाले होंगे यहाँ पर, देखो बी जैसे लिया था ना, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो देखो कैसा कैसा ड्रॉ होगा। सबसे पहले आप निकालोगे शियर फोर्स, शियर फोर्स हम निकालेंगे किसके लिए, बी डैश के लिए। बी डैश के लिए निकालोगे तो बी डैश में कोई भी लोड कंसिडर नहीं होगा, तो ये आपका आएगा जीरो, तो इसलिए हमने स्टार्ट किया इसको जीरो से। जीरो से स्टार्ट करने के बाद फिर हम लोग शियर फोर्स निकालेंगे किस पे, बी पर। तो जब आप बी पर निकालोगे तो आपको लोड कितना मिलेगा, ये आपको डेफिनेटली डब्लू कंसिडर होगा, तो ये आपको मिलेगा डब्लू,
उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे शियर फोर्स। शियर फोर्स अब देखो बीच में कोई पॉइंट नहीं है, तो अगेन ए पर जाने से पहले अगर आप यहाँ पर ए पर रिएक्शन देखेंगे तो आपको क्या क्या चीजें दिखेंगी। एक तो आपका ये लोड है, तो इस लोड को बैलेंस करेगा, रिएक्शन आपको डब्ल्यू आएगा, सबमिशन ऑफ एफ इक्वल टू जीरो। और यहाँ पर अगर आप मोमेंट देखोगे तो मोमेंट आपको कितना आएगा, डब्ल्यू इंटू एल, यही तो हमने निकाला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर शियर फोर्स में केवल और केवल फोर्स कंसिडर होगा, मोमेंट को कंसिडर नहीं करना है। तो यहाँ पर ये जो आपको W मिली, ये आपको W मिल गई। अब आप जैसे ही A पर जाओगे तो डायरेक्ट A पर मत निकाल देना, नहीं तो हो जाएगी कहानी गलत। तो आपको उसके बाद शियर फोर्स A डैश पर निकालना पड़ेगा। तो जब आप शियर फोर्स A डैश पर निकालोगे तो अगेन आपके ऊपर वाले लोड ही, क्योंकि इस बीच में तो कोई लोड लगा नहीं है, तो यही आपका W कंसिडर ये वाला नहीं होगा, केवल ये होगा। तो ये आपको मिलेगा प्लस ऑफ W। और इसके बाद शियर फोर्स अगर आप निकालते हो, शायद यहाँ पे दिख ना रहा हो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको। इसके बाद आप शियर फोर्स अगर ए पर निकालोगे तो ए पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर ये आपको मिलेगा देखो प्लस डब्ल्यू तो था ही, प्लस डब्ल्यू तो था ही, ये आपको क्या मिलेगा माइनस डब्ल्यू, ये वाला कहानी। तो यहाँ पर आपको मिलेगा माइनस डब्ल्यू विच इज इक्वल टू जीरो। तब हमारी चीजें एक्चुअल में ड्रॉ हुई है, देखो जीरो बी डैश पर, बी डैश पे हमने कोई लोड कंसिडर नहीं किया है, तो ये आपका गया है जीरो, जीरो से फिर गया है प्लस डब्ल्यू, तो ये हमारे पास गया है दिस इज द प्लस डब्ल्यू। प्लस डब्ल्यू से फिर अगर आप आओगे तो ए डैश पर डब्ल्यू गया हुआ है, तो ये यहाँ पर अगर आप जाओगे तो अगेन आपको प्लस डब्ल्यू मिला हुआ है, और प्लस डब्ल्यू के बाद फिर आप क्या है जीरो पे गए हो, तो ये हमने एक्चुअल में ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। कहानी कुछ समझ में आई? तो यहाँ पर इस चीज को मैंने यहाँ पर डायरेक्ट यूज किया हुआ था, आपको ये चीज का यूज करना है। यहाँ पर आप ये चीज नहीं कर रहे हो, आपको चीजें क्लियर होंगी, नो डाउट, ठीक है, लेकिन आगे ये चीज आपको दिक्कत कर सकता है। चलिए यहाँ पे बात करते हैं, शॉर्टकट मेथड पे भी आऊंगा, बिल्कुल आऊंगा, लेकिन ये सब चीजें एक बार पढ़ने के बाद नेक्स्ट बात करते हैं इसका। देखिए मुझे बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ करना है, बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ करने के लिए अगेन आप क्या सेक्शन आप यहाँ पे कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए बेंडिंग मोमेंट है, तो W नीचे लग रहा है ना, तो लोड कैसा बनाएगा, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज बनाएगा, तो कौन सा साइन लोगे, डेफिनेटली पॉजिटिव नहीं जाएगा, निगेटिव जाएगा। तो यहाँ पर ये अगर मैं बात करूँ तो ये हमारे पास पॉइंट ए है, ये हमारे पास पॉइंट बी है, और ये जो सेंटर वाला पॉइंट है ये हमारे पास क्या है, सी है। तो अगर इस सिनेरियो में बात करें तो हमको क्या क्या चीजें मिलेंगी, तो पॉइंट बी पे अगर हम निकाले बेंडिंग मोमेंट को लेकर बात करें तो बी पे निकालना है, सी पे निकालना है, और फिर हमको ए पर भी निकालना है। तो यहाँ पे देखिए चीजें क्या क्या आपको मिल सकती है। तो सबसे पहला चीज बेंडिंग मोमेंट, ठीक है, सबसे पहला चीज हमने क्या निकाला हुआ है, बेंडिंग मोमेंट। तो बेंडिंग मोमेंट अगर हम लोग निकालेंगे मान लीजिए पॉइंट बी पर, तो क्या बी पर कोई लोड है, क्या नहीं है, नहीं है, तो डेफिनेटली जीरो कर दो। अब आप ये बोलोगे कि सर ये जो डैश वाला कहानी शियर फोर्स पे की, क्या बेंडिंग मोमेंट पे करना है, नहीं, कंसंट्रेटेड मोमेंट आएगा आगे का केस है तब कंसिडर करना है। कहीं भी कंसंट्रेटेड चीज आए या फोर्स आए तो शियर फोर्स में लेना है, मोमेंट आएगा तो मोमेंट में लेना है। बात करेंगे यहां पर बेंडिंग मोमेंट अगर मैं बात करूं बी को लेकर, तो बेंडिंग मोमेंट बी पर आपको क्या मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा। उसके बाद चलते हैं हम लोग सी पर, सी पर अगर अब देखो मैं लेफ्ट साइड से चल रहा हूँ, राइट साइड से चलोगे तो कहानी कुछ और होगी, लेकिन आएगा यही चीज। अब मैं आपका आ गया बेंडिंग मोमेंट, किस पॉइंट पर चलना है, बी के बाद, डेफिनेटली बी के बाद हमको चलना है सी पर। तो सी पर चलोगे तो मैं लेफ्ट साइड से चल रहा हूँ, तो यहाँ पर कोई लोड नहीं है, तो यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट पे जब आप निकालोगे तो सी पर भी आपको क्या मिल जाएगा, डेफिनेटली जीरो मिलेगा। अब मैं आता हूँ बेंडिंग मोमेंट ए पर, आता हूँ बेंडिंग मोमेंट अगर मैं ए पर आऊंगा तो ए पर आपको क्या वैल्यू मिलेगा, ए पर अगर मैं गया तो डेफिनेटली सी पर W इंटू एल बाई टू, तो फाइनली आपको मिलेगा W इंटू एल बाई टू बट निगेटिव साइन के साथ, ठीक है, क्योंकि आपका क्या है क्लॉकवाइज जा रहा है, तो ये आपको मिला माइनस डब्ल्यू एल बाई टू। अब ध्यान रखना ये वेरिएशन में चेक नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वेरिएशन में यहां से निकाल चुका हूँ, ये जो वेरिएशन है ये वेरिएशन में निकाल चुका हूँ यहाँ से। तो कुल मिला के अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो आपको क्या चीजें मिलेगी, जो आपको पॉइंट बी मिल रहा है, पॉइंट बी पर बेंडिंग मोमेंट आपको क्या मिला हुआ है, जीरो मिला हुआ है। उसी तरीके से पॉइंट सी पर आपको जो मिला हुआ है, पॉइंट सी पर बेंडिंग मोमेंट क्या मिला हुआ है, जीरो मिला हुआ है, ठीक है। ए पर आपको कितना है, माइनस डब्ल्यू एल बाई टू मिला है, तो मान लो कि यहाँ पर आपका बात कर लेते हैं माइनस डब्ल्यू एल बाई टू, तो यहाँ पर कोई मैग्नीट्यूड है, तो यहाँ पर हमने बात कर लिया ये हमारे पास है माइनस डब्ल्यू एल बाई टू, तो आपका जो आएगा सिनारियो यहाँ से ये आएगा, ये जो आपका सिनारियो है ये आपका यहाँ पर ये आएगा, ठीक है। अब बाकी तो ये आपका क्या स्ट्रेट लाइन है, तो ये जो आपको मिला है बेंडिंग मोमेंट मिला हुआ है, और ये बेंडिंग मोमेंट आपको जो मिला हुआ है ये हमारे पास निगेटिव वैल्यू है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास दिख रहा है आपको, ये हमारे पास बेंडिंग मोमेंट, इसका हम लोग ड्रॉ कर चुके हैं फाइनली, ठीक है।
इसको आप देख के ड्रॉ करना चाहते हो डेफिनेटली आप देख कर भी ड्रॉ कर सकते हो, बिल्कुल इजी है, कुछ नहीं रखा है। तो ये हमारे पास एक बेसिक मेथड था, डिटेल मेथड, कन्वेंशनल मेथड। अगर आपसे एग्जाम्स में कन्वेंशनल पॉइंट ऑफ व्यू से आता है तो डेफिनेटली आप यहां से आगे बढ़ोगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है तो क्या इतना माथापच्ची करना है? जरूरत नहीं है। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में चीजें पूछी जाती है तो उसकी सिनारियो थोड़ी सी चेंज करेंगे और कुछ नहीं है। अगर आपको आपको क्या है, डायरेक्ट पैटर्न जानने से पहले एक बार कन्वेंशनल का ओवरव्यू होना चाहिए, और कन्वेंशनल का अगर आपको ओवरव्यू है तब मैं आपसे मूव करूंगा क्या डायरेक्ट मेथड की तरफ, की डायरेक्ट मेथड हम लोग कैसे ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिए लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये सिनारियो आपको क्लियर है अभी तक है। ध्यान रखिएगा कहीं भी पॉइंट लोड है, शियर फोर्स में हमेशा ध्यान रखना है, लोड और रिएक्शन कंसिडर होगा, मोमेंट को कंसिडर नहीं करना है शियर फोर्स में। और जब हम लोग बेंडिंग मोमेंट की तरफ जाएंगे तो नो डाउट इस लोड के कारण, डिस्टेंस के कारण मोमेंट तो आएगा ही, तो बेंडिंग मोमेंट में आपको ये लोड तो कंसिडर होना ही है, साथ में साथ अगर इस पे कोई मोमेंट आता है तो उस मोमेंट को भी कंसिडर करेंगे। आगे वाले केस में मैं ये चीज को डिस्कस करूंगा, क्लियर है यहां तक? तो ये चीजें थी जो कि मैं कन्वेंशनल मेथड से बनाया। अब देखिए यहां पर जो चीजें, इसको मैं ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए यहां तक तो आपको कहानी क्लियर है। तो अब मैं देखिए क्या करने वाला हूं, इसी चीज को मैं डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ड्रॉ करने वाला हूं, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे तो इसमें मैं आपको दो तीन केस और ऐड कर दूंगा, ठीक है। मतलब यहां से पॉइंट लोड से आपको जैसा भी खेले खेलने देना, ठीक है। पॉइंट लोड अगर आपको आता है और जिस तरीके से भी खेलना चाहता है उसको खेलने देना, हम लोग सीधा क्वेश्चन को उड़ा देंगे, ठीक है। देखिए कैसे, मान लीजिए कि सपोज ये जो मेरे पास बीम है, इस बीम का कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा आपको शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट बोलेगा ड्रॉ करने। और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका नेक्स्ट चैप्टर है डिफ्लेक्शन ऑफ बीम, और डिफ्लेक्शन ऑफ बीम आपका तभी क्लियर होगा जब आपको बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ करना आएगा, तभी तो डिफ्लेक्शन निकल पाएगा। मेथड बहुत सारे हैं लेकिन ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग मूव करें तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो देखिए क्या दिखेगा। तो यहाँ पर आपको ये जो आपका शियर फोर्स में देखेंगे तो सीधा पहला चीज आपको ये ध्यान रखना है, देखिए पॉजिटिव नेगेटिव मैंने साइन कन्वेंशन लेना तो आपको बताया हुआ है, आप वो लीजिए, अपना भी ले सकते हो, लेकिन जो मैंने कन्वेंशन लिया उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। सबसे पहले मुझे देखो ये मुझे समझ में आ गया कि लोड डाउनवर्ड है तो ये आपको पॉजिटिव मिलेगा, तो शियर फोर्स में ड्रॉ कर रहा हूँ ए और बी के साथ, ठीक है। और यहाँ पर लोड मुझे क्या मिल रहा है, पॉजिटिव लोड मिल रहा है, बस कुछ नहीं, क्या करना, सीधा पॉइंट आना, कंसंट्रेटेड लोड लग रहा है ना, तो ये आपको आना पॉइंट बी पर, बी से आपका डब्ल्यू डाउनवर्ड आ रहा है तो ये आपको वैल्यू पॉजिटिव मिलेगा, तो डब्ल्यू डाउनवर्ड आ रहा है तो चुपचाप आपको जाना है डब्ल्यू ऊपर की तरफ। ये हम लोग कितना चले गए, ये हम लोग चले गए प्लस डब्ल्यू की तरफ। अब ये देखो जैसे जैसे अगर आप यहाँ आप क्या है पॉइंट बी आपको जो मिला हुआ है, ये यहां से आप क्या कंटिन्यू चलते जाओ जब तक आपको यहाँ पर कोई लोड ना दिखे, कोई बीच में ए पॉइंट तक जाने तक कोई लोड दिखा क्या, कोई लोड नहीं दिखा है, तो चुपचाप आगे बढ़ते जाओ, इस लाइन को बिल्कुल आप डिस्टर्ब नहीं करोगे। हाँ कोई बीच में लोड आ जाता तो लाइन डिस्टर्ब हो जाती, ये स्ट्रेट लाइन गया। इसके बाद अब आप क्या है, ये देखो डब्ल्यू नीचे आ रहा था तो डब्ल्यू हम लोग ऊपर बनाए, अब ये डब्ल्यू ऊपर जा रहा है तो सीधा डब्ल्यू मैग्नीट्यूड नीचे आएगा, ये पॉइंट मिल गया, खत्म है, शियर फोर्स आपका बन गया, समझ में आया। यहाँ से बी पॉइंट पे गए हैं, डब्ल्यू नीचे आया तो प्लस में गए हैं, फिर हम लोग इधर आए उसके बाद नीचे आ गए, तो ये जो हमारा बन गया ये तो आपका बन गया शियर फोर्स, और ये आपको दे रहा है पॉजिटिव वैल्यू। तो ये हमारे पास जो ड्रॉ हुआ है, दिस इज द शियर फोर्स डायग्राम। अच्छा अगर मुझे बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ करना है तो क्या करना पड़ेगा, बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू आपको निगेटिव आएगी, तो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू अगर निगेटिव आएगी तो ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास पॉइंट बी है। अच्छा शियर फोर्स अगर आप नीचे भी बना दोगे तो गलत नहीं है, आपको ऑप्शन में दोनों में से एक ही मिलेगा, या तो ऊपर का डायग्राम मिलेगा नीचे का डायग्राम मिलेगा, ऐसा नहीं होगा कि क्योंकि अगर आप साइन को चेंज करोगे तो डायग्राम आपको सिमेट्रिक मिलेगा, ठीक है। जो आप पॉजिटिव पे ड्रॉ कर रहे हो आपको नेगेटिव मिलेगा, जो आप नेगेटिव पे ड्रॉ कर रहे हो आपको पॉजिटिव मिलेगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये ए बी वाली लाइन तो हमको मिल चुकी है, तो अब आपको क्या करना है, ये आपको पॉइंट बी है। अच्छा ए पॉइंट पर अगर हम लोग आते हैं तो बेंडिंग मोमेंट, ये बताओ यहाँ पर सीधी सी बात है, पॉइंट बी पर मोमेंट निकालो, फोर्स इनटू डिस्टेंस तो आपका जीरो है ना, तो चुपचाप यहाँ पे जीरो ले लो। अब यहाँ से आते जब कहीं लोड आपको आ रहा है क्या ताकि मोमेंट मिले, कहीं आपको कोई मोमेंट का इफेक्ट नहीं, हाँ डब्ल्यू के साथ ये डिस्टेंस आपका बढ़ते जा रहा है, तो सीधा आप आइए इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर आओगे तो आपको कितना मिलेगा डब्ल्यू, और डिस्टेंस हमारे पास कितना है डेट इज द एल, तो डब्ल्यू इंटू एल मिला हुआ है, तो सीधा आप आएंगे यहाँ पर मैग्नेट्यूड डब्ल्यू इंटू एल के साथ, और ये बिल्कुल आपको लीनियर वेरिएशन दिखेगा, ये यहाँ पर पोर्शन और ये आपको मिलेगा डब्ल्यू इंटू एल, ठीक है। और यहाँ पर ये हमारे पास ड्रॉ हो चुका है बेंडिंग मोमेंट, और ये बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू आपको क्या दिखेगी, नेगेटिव दिखेगी। कहानी कुछ क्लियर है?
मतलब ये जो हमको बेंडिंग मोमेंट दिख रहा है, ये बेंडिंग मोमेंट हमको क्या दिखेगा, निगेटिव दिखेगा। ये तो हमारे पास एक केस हुआ, और अगर आप केस में आएंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये जो हमारे पास अगर आप देखोगे तो एक केस है ना। दूसरे केस की अगर हम लोग बात करें तो क्या मिलेगा यहाँ पर, तो दूसरा केस में आप देखिए यहाँ पर ये कैंटिलीवर बीम है, यहाँ पर हमने क्या किया है, मिड पॉइंट पर लोड डब्ल्यू लगाया हुआ है, ठीक है। अब मुझे इसका क्या करना है, देखिए फ्रेंड, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ करना है, ठीक है। लोड को थोड़ा सा डायग्राम बड़ा बनाते हैं ये, और यहाँ पर हमने सेंटर में क्या है, लोड डब्ल्यू डाला हुआ है। अब बताओ क्या होगा, अब ये जो आपको सिनारियो अगर दिख रहा है, तो ये आपका लेंथ एल है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आपको लोड कितना मिल रहा है, ये आपको लोड, अच्छा शियर फोर्स ड्रॉ करना है तो डेफिनेटली वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो ये हमारा पॉइंट है ए, और ये हमारे पास पॉइंट है बी, अभी तक जो हमने ड्रॉ किया है। अब आपको क्या करना है, ये पॉइंट हमने ए लिया है, ये पॉइंट हमने बी लिया है, इस पॉइंट को हमने सी लिया हुआ है, ठीक है। इसको आप जस्ट ये डैश डैश पॉइंट है रेफरेंस, ताकि इस रेंज में रखने के लिए, दिस इज द पॉइंट बी, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, बस शियर फोर्स ड्रॉ करना है, कोई दिक्कत नहीं है। बी पे आओ, बी पे कोई लोड लग रहा है क्या, नहीं, तो सबसे पहले पॉइंट बी पे आइए। स्टार्ट कहाँ से करोगे, बी पॉइंट है तो ये बी पॉइंट पे हमने स्टार्ट किया। बी से आप सी तक जाओ, सी पर लोड है ना, सी तक तो कोई लोड नहीं है, सी तक कोई लोड नहीं है तो बिल्कुल लाइन को स्ट्रेट आने दो, और स्ट्रेट आने के बाद ये अगर पॉइंट देखोगे तो ये पॉइंट आपका आ गया सी, तो यहाँ पर ये आपकी पॉइंट आ गई सी। अब यहाँ पर सी पर लोड डब्ल्यू नीचे एक्ट कर रहा है, तो क्या करोगे, W मैग्नीट्यूड ऊपर चले जाओ, ये लो W आ गए ऊपर, कितना आ गया W। उसके बाद फिर आप आते जाओ, कोई बीच में लोड है क्या, कोई लोड नहीं है, कोई लोड नहीं है तो चुपचाप आ जाओ स्ट्रेट, ठीक है। अब ये कितना लोड आया, ये आपको लोड आ गया W। अब A पर अगर आप देखोगे ये W है, तो रिएक्शन कितना आ रहा है, ये W आ रहा है, तो W ऊपर जा रहा है तो W नीचे आ जाओ, कहानी खत्म। ये आपका बन गया शेयर फोर्स। मुझे तो थोड़ा टाइम भी लग रहा है समझा रहा हूँ, आप तो तुरंत उड़ा दो क्वेश्चन। ये जो आपको मिला, ये आपको क्या मिला, शियर फोर्स, और शियर फोर्स आपको जो मिला है, ये वैल्यू आपको क्या मिली है, पॉजिटिव वैल्यू मिली है, ठीक है। तो ये आपको मिला। दूसरा चीज अगर मैं बात करूं बेंडिंग मोमेंट को लेकर, तो आप बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ करने में भी अब आप एक्सपर्ट हो चुके हो। कैसा ड्रॉ करोगे, यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ करोगे, तो ये पॉइंट ए है और ये मेरे पास पॉइंट बी है। तो इस सिनेरियो में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर अगर आप देखो, सबसे पहले जहां लोड है वहीं हाथ लगाना है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखें तो पॉइंट बी पर आपका कोई लोड नहीं है तो मोमेंट का इफेक्ट जीरो, सी तक कोई लोड नहीं है तो मोमेंट का इफेक्ट जीरो, ये पूरा आपको जीरो मिलेगा। अब आप पॉइंट सी पर आओगे तो सी पर लेफ्ट से जा रहे हैं तो फोर्स तो है लेकिन डिस्टेंस नहीं है तो जीरो। अब यहाँ से बढ़ते जाओ, कहीं लोड आपको दिखा, यहाँ पर आपको सीधा मोमेंट आएगा डब्ल्यू इन टू कितना मिलेगा एल बाई टू, ये डिस्टेंस कितना है एल बाई टू। तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो डब्ल्यू इन टू एल बाई टू, वैल्यू निगेटिव जाना है आपको, तो ये आपको मिल गया डब्ल्यू इन टू एल बाई टू, और ये वैल्यू आपको क्या मिलेगा, ये आपको वैल्यू मिलेगा निगेटिव, कहानी खत्म, ठीक है। तो ये जो हमने ड्रॉ किया, दिस इज द निगेटिव वैल्यू, और ये आपको मिला है क्या, बेंडिंग मोमेंट, और ये आपको वेरिएशंस, आपको एक चीज आपको दिख रहा होगा क्या, कि जैसा हमारा पॉइंट लोड है तो इस पॉइंट लोड में जो शियर फोर्स डायग्राम है, शियर फोर्स डायग्राम आपको कैसा बन रहा है, लीनियर, सॉरी नॉट लीनियर, दिस इज द कॉन्स्टेंट। ये जो हमारे पास शियर फोर्स डायग्राम है, शियर फोर्स डायग्राम में अगर पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है तो ये आपका जो शियर फोर्स का वेरिएशन है, ये आपको कैसा मिल रहा है, कांस्टेंट। और यही चीज अगर मैं बात करूं बेंडिंग मोमेंट को लेकर, तो बेंडिंग मोमेंट में वेरिएशन आपको कैसा दिख रहा है, लीनियर दिख रहा है, ठीक है। अब ये बताइए, इस मैं लोड डब्ल्यू को आगे पीछे अगर शिफ्ट कर दूं तो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये आप आगे पीछे डेफिनेटली शिफ्ट कर सकते हो। अभी यहां पर मैं क्या एक सिंगल लोड लेके बता रहा हूं, अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यूडीएल यूवीएल के बारे में डिस्कस करूंगा, और मल्टीपल पॉइंट लोड होगा उसके बारे में भी मैं आपसे कंबाइन करके चीजों को डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो ये जो चीज हमने डिस्कस किया यहाँ पर क्लियर है। अब आप मान लीजिए लोड को कहीं भी अगर आप शिफ्ट कर रहे हो, मान लो यहाँ सेंटर पे करोगे या ये दोनों के मिड पॉइंट पे करोगे, तो डेफिनेटली आप इन चीजों को इजिली कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल्स के लिए, ठीक है, अब तो आप मास्टर बन चुके होंगे, ठीक है। ये आपका है बीम, यहाँ पर आपको कैंटिलीवर बीम है, यहाँ पर आपका लगा हुआ है डब्ल्यू, ठीक है। डिस्टेंस अगर आपको निकालना है तो ये पॉइंट आपका आएगा, तो ये पॉइंट पे अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या होगा, ये आपका लोड W आया हुआ है इस तरीके से। तो यहाँ पर अगर मुझे शियर फोर्स निकालना है तो ये मेरे पास A है और ये मेरे पास B है, ठीक है। तो शियर फोर्स अगर मैं निकालना चाहता हूँ तो क्या पॉइंट मिलेगा मुझे, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ शियर फोर्स को लेकर, तो शियर फोर्स कैसा ड्रॉ होगा, तो सबसे पहली बात ये आपका मान लीजिए पॉइंट A है, ये आपका पॉइंट B है, ये आपका पॉइंट C है, तो पॉइंट B से C तक तो आपका कोई लोड ही नहीं है, C पर लोड है ना, C तक लोड नहीं है, तो ये आपका जीरो हो गया। अब ये आपका डब्ल्यू गया ऊपर क्योंकि डब्ल्यू नीचे आ रहा है, फिर यहाँ से आप आओगे तो कोई लोड नहीं है, कोई लोड नहीं है तो फिर नीचे, ये आपका बन गया शियर फोर्स, और ये आपको वैल्यू दे दिया पॉजिटिव वैल्यू,
समझ में आ रहा है। बेंडिंग मोमेंट की बात करेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पे, अगर मैं बेंडिंग मोमेंट को लेकर बात करूं तो क्या मिलेगी चीजें, तो बेंडिंग मोमेंट में अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो ये हमारे पास बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम नीचे आएगा, तो ये हमारे पास पॉइंट ए है, ये हमारे पास पॉइंट बी है, ये मेरे पास पॉइंट सी है, और यहाँ पे अगर मैं बेंडिंग मोमेंट को बात करूं तो ये हमारे पास पॉइंट मिल गया बी, बी से अगर आप बात करोगे सी तक आओ तो कोई मोमेंट नहीं है तो स्ट्रेट रहने दो। अब आप सी से ए पर जाओगे तो ए इंटू मान लो कि सपोज ये डिस्टेंस आपको देना पड़ेगा और ये मान लो सपोज 3L/4 है, तो यहाँ पर मोमेंट आपको कितना मिलेगा, डेफिनेटली 3L/4, और इसको सीधा उठा के हमने कनेक्ट कर दिया और यहाँ पर आएगा आपको 3L/4 × W, तो क्या हो जाएगा 3WL/4, और यहाँ पर ये आपको मिल गया है बेंडिंग मोमेंट, और ये बेंडिंग मोमेंट वैल्यू क्या मिलेगी आपको, डेफिनेटली निगेटिव मिलेगी। तो कहानी कुछ क्लियर है फ्रेंड्स, चीजें आपको समझ में आ रही है, तो ये सब सिनेरियो हमारे साथ चीजें चल रही है, और यहाँ पर फाइनली जो हमने देखा हुआ है कैंटिलीवर बीम जो है आपका सब्जेक्टेड टू पॉइंट लोड है, और यहाँ पर जो मैंने पॉइंट लोड कंसीडर किया हुआ है, एक मैंने सिंगल पॉइंट लोड को लेकर बात किया हुआ है, मल्टीपल पॉइंट लोड भी हो सकते हैं, उसके बारे में भी मैं आपसे आगे वीडियो में डिस्कस करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा जिससे जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो आप तक पहले पहुंचे। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर SSC JEE का लिंक भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए, विश यू ऑल द बेस्ट।